हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंतरा। तो आज मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में मेरे ज्वेलरी कलेक्शंस, जैसे इयररिंग्स, नेकपीस, बैंगल्स और जो सेट होता है ना, जो इयररिंग और गले के साथ जो आता है सेट, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं इसका दो पार्ट कर दूंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं दिखाऊंगी मेरा सारा इयररिंग कलेक्शन और सेकंड में मैं दिखाऊंगी मेरा नेक पीस और बैंगल्स और जो सेट है उसका कलेक्शन। तो वीडियो में बढ़ने से पहले पता है ना आपको क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में रहा हुआ बेल को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ खूब से खूब शेयर कीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मिसिंग जैसे ना हो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी, मैं इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स रखती हूँ। तो गाइस, ये है मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन बॉक्सेस, जो ये बैग टाइप का मिलता है, ऑनलाइन से मैंने ये ऑर्डर किया था। तो ये एक है, इसमें इयररिंग मैंने रखा है और इसमें नेकपीस है, इसमें भी बैंगल। ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स है, आप भी चाहे तो खरीद सकते हैं। मैं ये ऑनलाइन से खरीदी हूँ, आप चाहिएगा तो मैं इसका लिंक दे दूँगी इस बॉक्स का। तो इस तरह से ये पाउच में आते हैं, देखिए 10 पाउच हैं। इस तरह का मैं सब ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ ताकि इधर उधर ना फैला हुआ रहे। तो ये देखिए, मैंने इसको खाली कर, ये जो बॉक्स है इसमें मैंने अपना नेक पीस रखा है सारा, और इसमें मैंने रखा है बैंगल्स इस बैग भी, क्योंकि बैंगल्स काफ़ी सारा है मेरा। तो ये जैसे सेट भी है, ये बाद में मैं शेयर करती, पहले मैं इयररिंग्स शेयर करूँगी। और इस तरह से काफ़ी सारे बैंगल्स हैं, मैं आपको पार्ट टू में दिखाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में ही मैं दिखाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले रिंग्स से मैं शुरुआत करती हूँ। मैं रिंग्स की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ही ये गोल्ड वाला रिंग पहनती हूँ। और वाला फर्स्ट वन दिख रहा है आपको, ये वाला मैं पहन के दिखा रही हूँ आपको। नेक्स्ट है ये वाला, दिस वन, कॉलेज में थी तब का है ये, मैं जब कॉलेज में थी तब मैंने ये रिंग खरीदा था, उसको अभी भी मैंने अच्छे से रख दिया, अच्छे से रख पाई हूँ क्योंकि मैं इस टाइप का पाउच यूज़ करती हूँ, तो इसमें अच्छा रहता है, मतलब इधर उधर फैला हुआ नहीं रहता है। सी, तो चलिए मैं छोटा से पहले दिखाती हूँ, ये वाले पाउच से मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। फिर से मैं इस टाइप का ज्वेलरी खरीदी थी, पिंक और ग्रीन, पिंक वन और ग्रीन वन, ये मैं यहाँ अपने सोसाइटी के कार्निवल से ही मैं खरीदी थी। कुछ कुछ पहन के दिखाऊंगी, सारे तो पहन नहीं सकती हूँ मैं। ये देखिए, मैंने यहाँ के सोसाइटी के कार्निवल से ही खरीदी थी। उसको आप ये जो बीड्स है ना, आप किसी भी कलर में बोलेंगे तो वो तुरंत कर देते थे। तो मैं, मेरा ड्रेस कुछ ऑरेंज और पर्पल पे था, तो मैंने उसको बोला कि इस टाइप का बीड्स डाल देने, तो वो इंस्टेंटली ये वाला बीड्स डाल के ये बना दिए हैं इयर रिंग। ये मेरा काफ़ी फेवरेट है, एक मेला से मैं ये खरीदी थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, छोटा सा है कोई भी, तो ये मेरे कुछ फ्रेंड्स ने गिफ्ट किया था बर्थडे में, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सी, बड़ा बड़ा सा है। यहाँ पे बुटीक है, तो वो आंटी भी कुछ फंकी ज्वेलरी सेल करती है, तो मैं उन्हीं थी। ये वाला के ऊपर बहुत अच्छा लगता था, स्कर्ट के ऊपर ब्रेसलेट है, ये मैं पैंटलून से मैं खरीदी थी, पैंटलून से मैं खरीदा था। सी, लॉन्ग, ये मैंने एक लोकल शॉप से खरीदा था। वाला रिंग, रिंग रिंग रिंग, ये वाला भी पैंटलून का ही है, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, थोड़ा सा लंबा लंबा, जो ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, ये भी बहुत खूबसूरत है। देखिए, पार्टी वगैरह में पहनने के लिए परफेक्ट है। देखिए, हम लोग को बंगाली में बोलते हैं कानपाशा, लेकिन ये कानपाशा तो है नहीं, ये मैंने इमिटेशन, ये गोल्ड का बनता है, गॉलीस में ये पहनते हैं, कान पाशा बोलते हैं इसको, लेकिन अच्छा लगता है। स्कर्ट में तो ये ज़्यादा अच्छा लग, ये शायद मैं गोड़ियाहाट से खरीदी थी, हाँ ये गोड़ियाहाट से खरीदी थी। तो ये कुछ है और ज़्यादा इयर रिंग्स,
जो कि मैं अभी एक एक करके आपको नहीं दिखाई, आप देख लीजिए। ये एक है दिस वन, ये आपको वाइट मोती में है, ये आपको ब्लैक में है, और ये एक है। सब आपको एक साथ मैंने दिखा दिया। उसके बाद मैं दिखाऊंगा है थोड़ा सा पार्टी वेयर का, मैं दिखा रही हूँ आप इन पार्टी में, फंक्शन में या पैटर्न करने के लिए। इतना ब्यूटीफुल पीस है, देखिए। ये अगर आप सिर्फ कान में पहन लेंगे ना, तो आपको और कोई नेक पीस वगैरह कुछ पहनने का ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सब लोकल शॉप से लिया है, ये वाला। ये भी मैंने कार्निवल से लिया है, सी। इसको आएगा, इसको भी मैं खोल के, ये वाला थोड़ा मीनाकारी है, आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा मीनाकारी वर्क किया हुआ। ये भी काफी प्यारा है और बहुत हल्का वेट है इसका, लाइट वेट एकदम है, सी। वाला है झुमका टाइप का, ये काफी सारे कलर्स में आते हैं, रेड ग्रीन। तो मेरा जो साड़ी का कलर था वो है ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का। तो ये भी काफ़ी मेरा कभी कभी मैं इसको पहनती हूँ। ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा था, ऑनलाइन अमेजोन से क्या था, तो ये निकल गया, ये वाला सिर्फ बचा है। इसको ये इस टाइप में ऐसे रहता है इस टाइप से, लेकिन ये मिरर निकल गया। सिटी ब्लू, तभी आप देख सकते हैं किस तरह से ये फैला हुआ है। आप कोई भी पार्टी में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, तुरंत आपको कुछ भी पहनना हो तो आपको नहीं मिलेगा, ये इधर उधर सारा हो गया है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी इस तरफ से मेकअप ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स जो होता है वो ख़रीदने के लिए। और इस तरह से ये तरह से पाउच मिलता है, और इस पाउच में आप सब कुछ अलग 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 से, छोटा एक पाउच में, बड़ा सा एक पाउच में, ये जो लंबा, ये सारा ज्वेलरीज है इसमें, इसको अलग से आप ऑर्गेनाइज करके सुंदर से इसमें ये जो है बॉक्स में आप डाल के इस तरह से रख सकते हैं। मैं आपको एक दिखा भी दे रही हूँ, जैसे मेरा ये इयररिंग, ये सब मैं एक साथ रखूँगी, तो ये सारा मैं एक साथ रख दिया हूँ। अब मैं इसको, मैं जस्ट आपको एक दिखा रही हूँ, और ये फिर ये बैग में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।